स्वागत है आप लोगों का, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए आवाज़ ठीक है कि नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। एट गाइस, एक बार जस्ट लेट मी चेक आउट वेदर, मैं अपनी तरफ चेक कर लेता हूँ पहले, इट इज़ ओके और नॉट। निखिल गुड इवनिंग, अनु, एक बार पहले आवाज़ मुझे बता दीजिएगा आप लोग गाइस कि ठीक है कि नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। जिस थोड़ा सा लैग होता है, मैं अभी देख पा रहा हूँ। गुड इवनिंग सबको, ओम प्रिया, ओम प्रिया गुड इवनिंग, नमस्ते सर। गिरजा बहुत ठीक है, आप कैसे हैं गिरजा? मुझे ठीक लग रही है आवाज़, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। निखिल गुड इवनिंग, अनु गुड इवनिंग, मोनिशा गुड इवनिंग, ओम प्रिया, ओम प्रिया संदीप गुड इवनिंग, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। और लोग कहाँ हैं अभी? बाकी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, इट्स नॉट फेयर। जल्दी जल्दी आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए, जो नहीं आ पाए हैं वो आ जाते हैं। अच्छा हाँ, आप कुछ लोग दिखे तो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी अनोखी चीज़ें आप लोगों को दिखानी है। मान्या गुड इवनिंग, संदीप गुड इवनिंग, अनु गिरजा, यस सर ओके, सालू गुड इवनिंग, सालू एकदम अच्छे हैं, आप कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। नेहा नहीं दिख रही है मुझे, मतलब मुझे और लोग नहीं दिख रहे हैं अभी, तो एक बार जल्दी से गाइज अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, ताकि जो नहीं, भावना गुड इवनिंग, अब एक बार तो गुड इवनिंग हो गया, अब थोड़ी देर बाद देखूंगा गाइज। राइट, अब थोड़ी कहानी अपनी शुरू करता हूँ मैं। सो गाइज, आई अभिषेक योर एडुकेटर इंस्ट्रक्टर इज़ वेलकमिंग यू ऑन दिस इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जिसके बारे में मोटा मोटा आप जान गए हैं, ठीक है। सो इस पर बार बार बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर माई नेम दैट इज़ अभिषेक। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है और गाइज, वो अगर आप याद रखें और यूज़ करें तो डेफिनेटली मुझे उसका एडवांटेज होता है। दिस नथिंग लाइक हाइडिंग आउट, मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज़ माई एडुकेटर्स कोड ड्रैव। इफ़ यू यूज़ दिस कोड फॉर एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी, दैट इज़ वेदर इट इज़ प्लस सब्सक्रिप्शन और लाइक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक में एक मेंटोर मिल जाता है गाइज, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल काइंड ऑफ थिंग, राइट? सो इफ़ यू यूज़ इट यू विल गेट 10% ऑफ। सो मेरा नाम याद रखिए और ये याद रखिए, दो चीज़ें याद रखिए, ठीक है, और इनका यूज़ कीजिए। इस जो ये नाम है उससे उसका फ़ायदा उठाइए और इसका भी फ़ायदा उठाइए। इसका अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो इसका एक छोटा सा रिवार्ड, सॉर्ट ऑफ, नॉट लाइक, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे हमें कमीशन मिलता है, नहीं, नथिंग लाइक दैट, डोंट थिंक लाइक दैट, इट्स नथिंग लाइक दैट। येस, बट इफ़ एन एडुकेटर कोड इज़ बींग यूज, that means like that educated is doing good, that's all, right? So दो चीज़ें को याद रखना है, बाकी चीज़ें आप जानते हैं। योगेंद्र बाबू नमस्ते, कैसे हैं? जय हिंद श्री राधे, गुड इवनिंग, और जय हिंद इतना सारा फूल, लाल झंडा, लाल सलाम कर रहे हैं आप मुझे, लाल सलाम मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। नेहा, यस यस नेहा, हुआ मैं अभी आप ही के बारे में कह रहा था, हम भी अच्छे हैं शालू, आप अच्छी हैं, इट्स क्वाइट गुड टू सी गाइज। अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग आ गए हैं, बाकी लोग अब पता नहीं कब आएंगे, आई डोंट नो, राइट? सो चलिए आज गाइज, मुझे ना आप लोगों को बेसिकली ये बातें तो आप जानते हैं दैट लाइक मैप्स 101 अब बहुत पहले से आप देख रहे हैं, तो मैप्स 101 UPSC 101 हो चुका है ये आप जानते हैं, एंड वेरी सून यू विल हैव लाइक समथिंग वेरी अमेजिंग ऑन दिस UPSC 101 एज अ कम्प्लीट होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर द UPSC अपकमिंग PT विच हैज़ टू बी देयर ऑन द 27th ऑफ द जून, राइट गाइज? सो इसका PT के बारे में आपको पता है ना, अगर डेट नहीं पता हो तो इट हैज़ टू बी 20 UPSC का कैलेंडर बिल्कुल एनुअली रिलीज हो जाता है ईयर के बिगनिंग में ही। एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने डेफिनेटली अपनी डिग्निटी को, अपने डिकोरम को, इंटेग्रिटी को सबसे अधिक इंटैक्ट करके रखा है। सो बहुत जल्दी UPSC 101 पे गाइस, देयर हैज़ टू बी सम वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड लाइक अ कम्प्लीट टीम के द्वारा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च होगा PT के लिए। So be a part of that course definitely, because that has to be ultimate, right guys? So इन चारों चैनल्स को याद रखिए, मुझे याद रखिए, और इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए जो आपके पास हैं। तो गाइज, मुझे आज आप लोगों को बेसिकली क्या दिखाना है वो आपके सामने है, और आज मेरा थोड़ा हिंदी जैसा मन कर रहा था तो मैंने एज इट इज़ नेचुरल फॉर्म में चीज़ों को रखा, कि बिल्कुल मतलब आपको ना लगे कि मैं थोड़ा सा कभी कभी मैनिपुलेट कर देता हूँ, नथिंग लाइक दैट, बिल्कुल नेचुरल रखा है मैंने। जो आपके सामने है वो 2000 का 4 का क्वेश्चन है, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये भी 2004 का, ये UPSC का क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर एक ये भी UPSC का, ऐसा भी UPSC का क्वेश्चन आता है, हालांकि ये हमारे टॉपिक का नहीं है, बट मैंने आपको दिखा दिया है।
सी दिस इज बेसिकली देयर द क्वेश्चंस। अगर आप देखें 2004 है, ये 2004 है, ये 2004 है, ठीक है, आगे भी है, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, बट ये कुछ क्वेश्चंस है। सी मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जब भी कोई मेजर टॉपिक ख़त्म करता हूँ गाइस, तो उससे कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, देखिए जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं, दैट डजेंट मीन, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं जिनमें कुछ दम है, वो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को, राहुल बाबू गुड इवनिंग, मोनिका गुड इवनिंग, आ जाइए, इंदु गुड इवनिंग, इंदु तृप्ति, तृप्ति गुड इवनिंग, यस सोनम गुड इवनिंग, अब आ रहे हैं मुझे लगता है सब। इंदु मुझे लगता है ये आपकी पहली क्लास है आज क्या? सोनम, यस सोनम जी बहुत बहुत आपको भी सुसंध्या। निरंजन गुड इवनिंग, अब लगता है मुझे लोग अभी आ रहे हैं सब, मतलब ठीक है, दो चार मिनट मैं लेट हो गया, बाकी लोग चलिए। सो देखिए, सो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एग्जाम्स के दिखा देने का, जब भी कोई टॉपिक शुरू होता है, इट्स नॉट लाइक अ क्विज, इट्स नॉट लाइक अ क्वेश्चन आयर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेसिकली जस्ट मैं उसको एक एश्योरेंस आपको देना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अगर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस, दैट मीन्स व्हाट, हमारा कंटेंट परफेक्ट है। और अगर डायरेक्टली आप यूपीएससी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो एक बात होता है गाइस कि इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इससे नीचे के होते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, मतलब किसी भी एग्जाम का आप ले लीजिए। सो ये तय है। तो ये जो मैं आपके स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन है, मैंने आज हिंदी रखा, बिकॉज थोड़ा सा लग रहा था कि मैं, मतलब थोड़ा सा हिंदी वाला मन कर रहा था मेरा, तो मैंने हिंदी, देखिए इंडियंस को हिंदी में दिक्कत नहीं होती है, ये इसमें तय है। कुसुम गुड इवनिंग, इंदु गुड इवनिंग, सोनम गुड इवनिंग सर, यस सोनम फर्स्ट क्लास, अब आशा करता हूँ कि आप आगे से भी दिखेंगी मुझे, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है कि अगर आप दिखेंगी तो आपको फ़ायदा होगा, और आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, राइट मोनिका। तो चलिए गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर मुझे बताना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। दिस इज सेकेंड एंड दिस इज लाइक थर्ड, थर्ड ही पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी के 2004 में पूछा गया है, थर्ड ही पहले देख लीजिए, सी दिस फर्स्ट, कि निम्नलिखित में से चार वेदों में किसमें एक जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? रूपा गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, अब आ जाइए। पहले मैं पहले थर्ड क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ कि भाई निम्नलिखित में से चार वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म, जादू टोना, दिस दैट, दुनिया जहान, इन सब का वर्णन कहाँ किया गया है? तो थर्ड का आंसर मुझे बताने का जरूरी, नहीं नहीं वन से नहीं, अब थर्ड से शुरू कर रहा हूँ मैं, भावना, भावना थर्ड मैंने पहले लिखा। पूजा, पूजा यस राठी, पूजा जी आप अभी आ रही हैं, सॉरी इट्स ओके, बट इतना लेट मत होया कीजिए। आई वॉज थिंकिंग इन साइड मी, मैंने नेहा के बारे में पूछा था, मैं सोच रहा था कि देर इज समवन एल्स जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सो दैट्स पूजा जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा था, बिकॉज मतलब आपको देखने की आदत है मुझे, लाइक बीट्स एनसीईआरटी 101 और यूपीएससी 101, कुछ लोग हैं जो जैसे मैं पहुँचता हूँ वो हाजिर रहते हैं, सो इट फील्स अमेजिंग गाइस, राइट। इससे मतलब ना और अच्छा करने की एक लाइक प्रेरणा मिलती है, जब हमारी जगह पे आप होंगे यू विल फील दिस इमोशनल काइंड ऑफ थिंग, इन बातों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। हाँ, सो थर्ड पे आ जाइए, ये देखिए मतलब थर्ड का आंसर भी मुझे कुछ कुछ बी सी इसमें भी डाउट लोगों को दिख रहा है मुझे, तो इसमें यजुर्वेद किसने बताया भाई, मतलब अगर किसी ने बता दिया होगा तो इट्स वेरी सैड, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने बी, जैसे तृप्ति ने भी बताया, ये देखिए संदीप ने भी बताया, स्वागतिका बी, सिद्धार्थ बी, बी मतलब दैट्स लाइक वेरी बैड, इतना दुखी मत कीजिए मुझे, राइट इन द फ्रंट पे दिखाना चाह रहा था कि देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एक्चुअली यूपीएससी में आता है। अच्छा एक बात और है कि ठीक है, वैदिक लिटरेचर वाली क्लास मैंने अभी ली नहीं है, वो कल की क्लास, कल से हम, मैं गाइज मैं आपको बता दूं, वैदिक साहित्यों वाली जो वैदिक लिटरेचर वाला क्लास अभी एनसीईआरटी 101 पे हुआ नहीं है, सो वो कल शुरू होगा। सो अगर आप इसमें कोई गलती हो जा रही है तो सॉरी फ्रॉम माई साइड, अगर मैं गुस्सा किसी ने मैंने किया तो, यस सी हैज़ टू बी द राइट आंसर, क्योंकि फिर आपने कितना पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है कि आपको आता है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से वैदिक लिटरेचर अभी नहीं पढ़ाया है, वैदिक साहित्य ये मेरी तरफ से नहीं हुआ है गाइस। सो फिर भी बहुत लोगों ने सी बताया, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू यही दिखाना चाह रहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछती है सी, सो इट हैज़ टू बी अथर्ववेद गाइस, अथर्ववेद में जादू टोना और लाइक चारों वेदों में सबसे नया है। सो मैंने बेसिकली ये पढ़ाया नहीं, इसलिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा इस पर आप लोगों से डिबेट नहीं करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि सी यूपीएससी ऐसा भी क्वेश्चन पूछती है, इट हैज़ द क्वेश्चन ऑफ 2004, ऐसा नहीं है कि 1990s का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए हमारे
फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है फर्स्ट पे आ जाइए। सब बहुत लोगों ने सी दिया, वेरी नाइस वेरी नाइस, लेकिन बी जिन्होंने दिया है फिर वो गलत बात है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तृप्ति ओके इट्स ओके, ठीक है मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप पे गुस्सा नहीं कर सकता। मैंने पढ़ाया होता तो लाइक कि फिर मुझे गुस्सा ज़्यादा आता, राइट गाइस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए गाइस, आ जाइए। अब थर्ड तो हो गया, थर्ड ही मैंने पहले दिखा दिया था बिकॉज थर्ड आसान था। फर्स्ट पे आइए, चीनी तीर्थयात्री फाहियान का नाम, ठीक है देखिए दो नाम लिए जाते हैं, फाहियान एंड ह्यूएन सांग। फाहियान एंड ह्यूएन सांग, ये दो चीनी यात्रियों का नाम लिया जाता है। तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, वो सब मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि साम्राज्यों में हम बस लाइक नंदवंश तक, मगध की कहानी तक वहीं पर है, फिर वहाँ तक, वहाँ से कहानी दूसरे तरफ मुड़ चुकी है। ह्यूएन सांग ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इंडिया आए थे, हर्षवर्धन अगर गाइस आप लोगों ने नाम सुना हो, वो बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने लाइक व्हाट वाज द ईयर 643 AD, यही हर्षवर्धन का पीरियड था। एंड अमेजिंग रूलर, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद भारत की स्थिति तबाह होती चली गई थी, डिसइंटीग्रेट हो गया था इंडिया। सो हर्षवर्धन ने कन्नौज में, ध्यान रखिएगा अभी अगर आपको ये आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस सुन लीजिए क्योंकि मैंने ये पढ़ाया हुआ नहीं है हर्षवर्धन वाली बातें। सो अगर कोई बहुत जल्दी गलत हो जाती है, ये गलती हो जाती है तो फिर देयर इज नथिंग लाइक बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो हर्षवर्धन ने कन्नौज, कन्नौज ये यूपी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह रहा है उज्जैन और कन्नौज। उज्जैन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, उज्जैन कन्नौज इज दिस यूपी। सो हर्षवर्धन ने एक बहुत ग्रैंड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित किया था 643 AD में कन्नौज में। तो वहाँ उसके जो चेयरमैन थे, उस बुद्धिस्ट काउंसिल के जो हर्षवर्धन वाले चेयरमैन थे, दैट वाज लाइक दिस ह्यूएन सांग, अ चाइनीज यात्री, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित, गलत यही पे गलत हो गया। इसका आंसर, भावना आप यूपी से हैं तो आप तो कन्नौज जानती होंगी, जयचंद का राज, यस यस वेरी नाइस, जयचंद का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है बहुत बढ़िया अच्छी बात है, ठीक है वेरी गुड, डी डी अच्छा। सो अब यही मैं बता देता हूँ, चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क, तो कनिष्क तो गलत हो गया, अभी अभी मैंने बताया ये हर्षवर्धन वाली बात है, द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबुद्धिस्ट काउंसिल, अच्छा अब तो ये तो सीधा ही गलत हो गया ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फाहियान ने थोड़ी स्पॉन्सर किया, चीनी मतलब कनिष्क उसमें थोड़ी भाग लिया था, ये जो फाहियान है उसने बेसिकली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में थोड़ी भाग लिया था, ठीक है। फाहियान के बारे में मैंने आपको बताया और ह्यूएन सांग के बारे में बताया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, गुप्त वंश, ठीक है। और कनिष्क द्वारा आयोजित जो कुंडल ग्राम में हुआ था ना, सबकामी ऋषि के चेयरमैनशिप में, जो वो तो 1st century AD में हुई थी, वो तो बहुत पहले की बात है, ठीक है। और ये हर्षवर्धन वाला तो 643 AD में, तो ये तो हुआ था, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। चीनी तीर्थयात्री ह्यूएन सांग हर्ष से मिला, एकदम सही बात है, और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, गलत, ठीक है। तो जिन्होंने भी डी बताया, हर्षवर्धन के बारे में गाइस मैं अगर आपको बताऊं, वाज एन अमेजिंग रूलर, 7th century उसका पीरियड था, सो वाज एन अमेजिंग रूलर, और डेफिनेटली मतलब 7th century इसका पीरियड था, क्योंकि मैंने बहुत नहीं पढ़ा है इसलिए मैं बहुत सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक बात तो मैंने बता ही दी आपकी, और ये बेसिकली बहुत सिक्यूलर और धर्मपरायण व्यक्ति था जो हर्षवर्धन था गाइस, राइट, डी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, ठीक है। सो बहुत धर्मपरायण व्यक्ति था, मतलब ही ऑल्सो बिलीव, ही बिलीव्ड इन हिंदुइज्म, ही बिलीव्ड इन बुद्धिज्म, एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड इन जैनिज्म, मतलब किसी रिलीजन को, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा उसका जो रुझान था वो बेसिकली बुद्धिज्म की तरफ था, बट दैट डजंट मीन कि ही रिजेक्टेड जैनिज्म। सो ही वॉज अ वेरी सिक्यूलर और धर्मपरायण, धर्मनिरपेक्ष तरह का एक महान शासक था। सो डेफिनेटली आपका ये आंसर भी गलत हो जाता है, सो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो योर आंसर हैज टू बी डी, राइट गाइस। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आइए, बी यस मोनिका, मोनिका एकदम सही डी आंसर है, जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ वो भी देख लीजिएगा, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम निपटा पाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, जैन धर्म की बात हो रही है, कौन सा एक कथन सही है। स्थलबाहु और भद्रबाहु, कितनी बातें हमने की है इसके बारे में, के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, एकदम बिल्कुल गलत बात हो गई ना ये तो, ठीक है। स्थलबाहु तो नॉर्थ में रह गया था, भद्रबाहु साउथ में गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, ठीक है।
सो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। कौन सा कथन सही है? ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए। गाइस भद्रबाहु के पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई जैन काउंसिल के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो बेसिकली दिगंबर कहलाए। वो दिगंबर थे जिन्होंने कपड़ा नहीं पहना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए दो लोग थे ना, साउथ की तरफ भद्रबाहु आए और उधर स्थूल बाहु, नॉर्थ में स्थूल बाहु रह गए। इसी से ही तो था ये। और ये चंद्रगुप्त मौर्य क्यों लेके बढ़े थे, सब बातें हो चुकी हैं। साउथ की तरफ गए थे और इनके जो फॉलोअर्स थे वो दिगंबर कहलाए, इनके जो फॉलोअर्स थे वो बेसिकली श्वेतांबर कहलाए। राइट, सो आपका ये भी गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व, अच्छा प्रथम ईस्वी, फर्स्ट ईस्वी पूर्व मतलब बीसी की बात हो गई। ईस्वी पूर्व का मतलब होता है गाइस बीसी, ईस्वी का मतलब एडी। जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल, ये बात पे मैं बता चुका हूँ, हाथी घंपा इंस्क्रिप्शन, राजा खारवेल छेदी वंश, सारी बात मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर सरिता, वेरी वेरी अनु राठौर। अब देख रहे हैं ना गाइस, एक बार मुझे बताइए कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको इन क्वेश्चंस में दिख रहा है नहीं, जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है, मैं वही देखना चाहता हूँ, बस क्वेश्चन दिखाने का आपको। मैंने पहले बता दिया था कि यूपीएससी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाने का गाइस मुझे यही मतलब है कि भाई मैं अभी क्विज सेशन तो कोई कर नहीं रहा हूँ, मैं बस आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि, और सबसे दुनिया के, इंडिया के सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। दिखाने का मेरा मकसद बस इतना ही है कि आप देखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वही पूछा जा रहा है। ठीक है, सो ये बात सही है ना गाइस? एक बार जस्ट गिव मी, लेट मी नो, अपने कमेंट दीजिए, बताइए मुझे लाइक दिस इज द, यस यस जी सर बिल्कुल ठीक है पूजा, नाइस, यही मैं देखना चाहता था और इसलिए मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल ओरिजिनल ही आपके सामने रखा है, टाइप वाइप करके नहीं। ठीक है, सो एकदम सही बात है, एकदम सही बात, थैंक यू सर, ये क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है, डेफिनेटली डेफिनेटली हो रहा है। और यकीन मानिए मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं पिछले 15 सालों में, अगर जैनिज्म बुद्धिज्म पे अगर 60 के आसपास क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने जो क्वेश्चंस अगर 12-14 जो रखे हैं, बाकी उससे सब आसान ही है। 15-20 क्वेश्चन जो हम जितना पता नहीं देखते हैं कितना मैं कर पाता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो बाकी के क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। मैंने सबसे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन रखे हैं। इन शॉर्ट जैनिज्म बुद्धिज्म पे ये क्वेश्चन, आज वाला क्वेश्चन आपने देख लिया तो बाकी क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली सॉल्व्ड है। राइट गाइस, चलिए गाइस तो फिर देख लीजिए, जो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है, मैंने बता दिया यहाँ पे। भद्रबाहु वाले दिगंबर कहलाए थे, स्थूल बाहु वाले श्वेतांबर कहलाए थे। प्रथम ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन, एकदम सही बात है। इसके इसके बारे में मैंने छेदी डायनेस्टी, छेदी वंश की बात की थी और इसमें एक हाथी गुम्फा अभिलेख का बात भी हुआ था, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाइस नोट्स बनाया कीजिए। सो दिस स्टेटमेंट इज अनडाउटेडली राइट। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। सी ये गलत बात है, ये भी गलत है। दोनों ने आइडल वर्शिप को रिजेक्ट किया था, दोनों ने भगवान के कंसेप्ट के प्रति न्यूट्रैलिटी दिखाई थी, दोनों ने अहिंसा की बातें की थी। जैन धर्म बहुत ज़्यादा अहिंसा की तरफ, मतलब वो ज़्यादा एग्जैजरेटेड फॉर्म में उसको मानने लगा था। मूर्ति पूजा तो फिर भगवान को मानोगे तब तो मूर्ति पूजा होगी, समझ में आ रही है बात गई। ठीक है, सो जैन धर्म भी अर्लियर स्टेजेस में, बाद में जो स्प्लिट होगा ना श्वेतांबर एंड दिगंबर एंड ऑल, तो फिर मूर्ति पूजा उसमें शुरू हो जाएगी, लेकिन अर्लियर स्टेज में किसी ने भी मूर्ति पूजा एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ द गॉड, सो वाई दे विल लाइक बिलीव इन दैट आइडल वर्शिप, राइट। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो गाइज आवर राइट आंसर हैज टू बी वॉट, सी। सो देखता हूँ मैं सी कितने लोगों ने दिया है, मेंस के अरुण बाबू पीटी, मैंने मेंस की पढ़ाई आपने की है अभी तक? मैं तो एनालिसिस कर दूँ बहुत अमेजिंग करूँगा, मतलब हिस्ट्री मुझे आप लोगों के खून में घोलना है। ठीक है, लेकिन फिर मैं विश्लेषण करूँ और आप कुछ समझ ही, मेंस का कंटेंट भी तो पहले तो अभी थोड़ा सा जैनिज्म बुद्धिज्म किया क्या, थोड़ा सा बिंबिसार और अजातशत्रु किया क्या, इमोशनल होने लगे, पहले थोड़ी सी पढ़ लीजिए। मेंस में किसी आंसर को लिखने के लिए अरुण आपको सबसे पहले ना कंटेंट होना पड़ेगा, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, सो कभी आप आंसर एक लिख के देखिएगा, ठीक है, कभी मुझे वो दिखा के देखिएगा। आप लिखने बैठेंगे देन एक्चुअली यू विल फील द हीट, ऐसे हमें लग रहा होता है कि हम जानते हैं, हाँ जानते हैं, बट अगर एक आपको 500 वर्ड्स का आंसर लिखना हो और व्हेन यू हैव नथिंग,
जब हाथ में कलम हो और सामने पेज हो, तब एक्चुअली अपने नॉलेज की रियलिटी पता चलती है। हम जो देख रहे हैं बेसिकली वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ स्टडी है, मीन्स में बहुत डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर लिखने की हैबिट नहीं है तो जानने के बावजूद भी हम नहीं लिख पाते हैं। सो हैव सम पेशेंस फॉर मीन्स, मैंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ होने वाला है तो होगा, दैट हैज़ टू बी देयर, दैट यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि थोड़ा सा टाइम तो मुझे देना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। ठीक है अरुण जी सर, फॉर मेंस फर्स्ट वी हैव टू कवर मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, यस पूजा दैट व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है, कि मेंस के लिए पहले पढ़ाई। अभी मैं मेंस के क्वेश्चन, अभी तो पीटी वाले क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेंस वाले क्वेश्चंस अभी नहीं, अभी मेंस के लिए थोड़ी सी मतलब एटलीस्ट एक मुझे एंसेंट तो कम्प्लीट करने दीजिए, ठीक है। एंसेंट में कम्प्लीट अपने तरीके से, आप देखते हैं कि मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा रहता हूँ, तो एक्चुअली कहीं ना कहीं मेंस वाला जो वो एलिमेंट है मैं आपके अंदर अभी से डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहा है, बट फिर भी अभी मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करना थोड़ा सा इमैच्योर्ड होगा, ठीक है अरुण, जो करेंगे हम, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया, ये तीनों क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़िए और क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दिस इज वन क्वेश्चन, फिर षट दर्शन, ये क्वेश्चन तो आपसे बनेगा नहीं, मैंने अभी कह दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में 2014 में पूछा गया है, जरा आंखों से देख लीजिए अपने, बहुत खुशी होगी। ये फिर ये हमारा चौथा क्वेश्चन, चलिए शुरू कीजिए ऊपर से। भारत के बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन, शायद ये आंसर आपसे ना बने, ठीक है। सो बताइए इसका आंसर, मतलब देखिए अब ये मैं क्या, क्यों मैं ये दिखाना चाह रहा था, ठीक है। टाबो मठ मतलब जगह, आपको मैजर कॉलम करना है, मतलब कौन सा जो मेल है वो सही है, ये आपको बताना है बेसिकली। सो टाबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी, ठीक है, लाहौत्सव लखांग मंदिर नको जास्कर घाटी, अलवी मंदिर संकुल लद्दाख, मतलब कौन सही है कौन गलत है। देखिए गाइस ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ ये नहीं बनेगा, बट मैं दिखा देना चाह रहा था। अब आप बोलेंगे सर आपने पढ़ाए नहीं, सी दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वहाँ पे मंदिरों की, मस्जिदों की, कलाकृतियों की, शिल्पकारों की, स्कल्पचर्स, टेम्पल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंटिंग्स एंड ऑल, ठीक है, वो पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएंगी। मतलब एंशियंट इंडिया में यूपीएससी हैज़ द हैबिट ऑफ लाइक मिक्सिंग दिस गुड पार्ट ऑफ दिस आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, ठीक है, जिसमें आप म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक फॉर्म्स, टेम्पल फॉर्म्स, स्कल्पचर, हैंडीक्राफ्ट, सब के बारे में पढ़ते हैं। सो वो वाला सेगमेंट, जैसे मैं अभी ये एंशियंट वाला हिस्टोरिकल सेगमेंट खत्म करूंगा तब आर्ट एंड कल्चर पे आऊंगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हार्ड है, बिल्कुल हार्ड है, दिखाया क्यों मैंने, मैं क्या आपको बताना चाह रहा था वो ध्यान रखिएगा, दैट्स वाई वी स्टडी आर्ट एंड कल्चर इन प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। सो ये नहीं बनेगा आपसे, डेफिनेटली द आंसर हैज टू बी दिस टू, ये गलत है, ये जास्कर घाटी में नहीं है गाइस, राइट, इट इज इन एचपी, जो लाहौत्सव लखांग मंदिर है ना नको का, नको घाटी, इट इज़ बेसिकली इन, ये जास्कर घाटी में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है, और जास्कर तो आप जानते हैं वो तो लद्दाख वाले क्षेत्र में है। जास्कर रेंज अगर आपको मैं बताऊं, ठीक है, तो अगर ये भारत है तो ये आपका काराकोरम रेंज होता है, देन यू हैव लद्दाख, देन जास्कर, ठीक है, ये लद्दाख होता है, ये जास्कर होता है, ये आपका काराकोरम होता है, ठीक है। सो ये ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में है, दिस रीजन इज लद्दाख बेसिकली। अब जो डिवीज़न हुआ है, अब जो डिवीज़न जो आर्टिकल 370 के बाद गाइस जो जम्मू कश्मीर का मैप रहा है इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, कि मतलब एक सेकेंड, अब जो डिवीज़न आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर का बेसिकली रूप है वो कैसा रह गया, ये रीजन पूरा लद्दाख हो गया है, वन यूटी ये लद्दाख हो गया है, एंड सेकेंड यूटी ये वाला ये आपका जम्मू एंड कश्मीर रह गया है। इसमें फिर पीओके, एलओसी, ये सब बताऊंगा मैं कभी दूसरी क्लास में। सो उसके बाद फिर यू हैव द एचपी एंड देन यू हैव द उत्तराखंड। सो दिस लाहौत्सव लखांग मंदिर जो है ना, ये जास्कर घाटी में ना होके ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है। सो दिस हैज़ टू बी आवर आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में युग्मों विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सही सुमेलित, कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो ठीक है, पहला सही है
और तीसरा सही है, दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। सो आंसर बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, 1 and 3, दैट इज सी। राइट गाइस, इस पे आइए, ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड दर्शन, नहीं बनेगा आपसे ये भी, अभी मैं बता रहा हूँ। पर मैं आपको ये क्वेश्चन मैंने फिर क्यों दिखाया, यूपीएससी का बड़ा पॉपुलर एरिया है, देखिए 2014 बड़ा पॉपुलर रीजन है, देखता हूँ मैं किसी ने आंसर अगर दिया कि नहीं। सी सी सी, लोकायत और कपालिक, वेरी नाइस, पूजा मतलब जानते हैं आप लोग, ठीक है, यस यस यस, सही बात है, अगर लोकायत एंड कपालिक, ये बात सही है, यही आंसर होगा हमारा, वेरी नाइस। सौम्या, अब देखिए सौम्या जी, अभी गुड इवनिंग, ये आने का टाइम है सौम्या, ठीक है। योगेंद्र, लोकायत और कपालिक है शायद, नहीं सही है, वही है, ठीक है, और ये यूपीएससी का बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। अब देखिए, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, कौन सा, मीमांसा, वेदांता, न्याय और वैशेषिक का। देखिए भारत के ना, अब एक एक इस पर थोड़ा सा ना कुछ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। ये जो है 6 फिलोसफिकल स्कूल्स होते हैं भारत के, हमारे देश के 6 दर्शन होते हैं, पढ़ेंगे, यूपीएससी का ये टॉप फेवरेट हिस्सा है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन इसे पूछा जाता है, इवन इन मेंस आल्सो, भारतीय समाज के 6 दर्शन हैं, ठीक है, 6 विचारधाराएं हैं जो मिलकर, ठीक है, बेसिकली इंडियन रिलीजन को डिफाइन करती है, इंडियन कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। भारत के 6 विचारधाराएं हैं, 6 फिलोसफिकल थॉट्स हैं जो कलेक्टिवली इंडियन रिलीजन के, भारतीय, जिसको आप सनातन धर्म या जो भी कहना है कह लीजिए, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, सो इंडियन रिलीजन का जब हम बात करते हैं इन द नेचुरल फॉर्म, देन वी टॉक अबाउट द सनातन धर्म और हिंदुइज्म। सो व्हाट आई एम टेलिंग दैट इंडियन कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द 6 फिलोसफिकल आइडियाज, 6 दार्शनिक विचारों का भारतीय धर्म, जो नैसर्गिक रूप में 6 दार्शनिक विचारों का निष्कर्ष है, वो बेसिकली क्या होता है, देखिए संख्या, पढ़ाऊंगा मैं, एक स्पेशल क्लास लूंगा इस पर, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया यूपीएससी का हॉट टॉपिक है, और ये सब एंशिएंट में पढ़ेंगे आप, आर्ट एंड कल्चर एंड एंशिएंट हिस्ट्री में, संख्या, देन यू हैव योगा, देन यू हैव न्याय, कपिल मुनि इसके प्रोपाउंडर थे, फोर्थ इज योर वैशेषिका, देन यू हैव मीमांसा, एंड देन यू हैव वेदांता। राइट गाइस, सो एक बार ना जरा ये सब लिख लीजिएगा कहीं, जो मैं बीच बीच में बताता हूँ, राइट, हॉट एंड मेन टॉपिक, यस, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो अब देख लीजिए, दिस इज लाइक, ये 6 फिलोसफिकल थॉट्स, इन्हीं को षड दर्शन कहते हैं, षड मतलब 6, ठीक है, सो षड दर्शन इन्हीं को कहा जाता है, भारतीय षड दर्शन, द इंडियन कंसेप्ट ऑफ द रिलीजियस फिलोसफी। तो सबके अलग अलग प्रोपाउंडर थे, सो संख्या, न्याय, योगा, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता, देख लीजिए फिर सब तो है ही, मीमांसा, वेदांता, न्याय, वैशेषिका, संख्या, योगा, लोकायत एंड कपालिक, बताऊंगा इसके बारे में भी मैं, ठीक है, जब इन फिलोसफी फिलोसफिकल थॉट्स में पढ़ाऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये खुद से नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, मतलब इस लेवल तक पढ़ाई नहीं चली जा पाती है, ठीक है, और इसीलिए यूपीएससी की चीज़ें अधूरी की अधूरी रह जाती हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, सी। सो जिन्होंने भी सी, सरिता ठाकुर, एकदम बातचीत ज़्यादा होने लगी क्या, ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, क्योंकि हमारा टाइम भी हो रहा है, और मैं थोड़ा जितने क्वेश्चन लेके आया था वो सब हो भी नहीं पाया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी भारत में यूपीएससी में आया हुआ है, देख लीजिए कि सत्यमेव जयते जो स्टेटमेंट है ना हमारे नेशनल एम्बलम पे, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय अधोशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है, इसका आंसर बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, इट्स नॉट नीडेड, बट इट इज बेसिकली मुंडक उपनिषद, राइट। सो जानते हैं उपनिषदों के बारे में, ए इसमें योगेंद्र बाबू, इसका आंसर कठ उपनिषद है, वेरी बैड, ये मतलब डी इज द राइट आंसर, यस पूजा राइट, लेकिन ये जो दिया ना इन्होंने, किन्होंने जी, बाकी लोग जिन्होंने, किसी ने दिया था, ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, बट जिन्होंने किसी ने ए दिया था कंठ उपनिषद,
नहीं, मैंने ये दिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के थ्रू कि भाई आज से 4-5 साल पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं गाइस? सत्य की हमेशा योगेंद्र ऐसी भूल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हो, मेरे सामने हो गई, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? वेरी नाइस, 2014 अगेन 2014। देखिए आते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म यूपीएससी का बड़ा हॉट टॉपिक होता है, ठीक है। बताइए जल्दी किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, गांधार, कौशल, ठीक है, एंड मगध। सी सी सी, सबका आंसर सी, केवल 3 और 4, कौशल और मगध, अवंती और गांधार से नहीं था। बहुत सही बात है, मतलब वेरी नाइस। राहुल, अनिल, अनु, 1, 3 एंड 4, नेहा गलत, ठीक है। 1 तो हो ही नहीं सकता है, अवंती तो बुद्ध कभी पहुंचे ही नहीं थे। अवंती जब भी आता था क्लास में पीछे की मैं चीख चीख कहता था, अवंती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चंद प्रद्योत साहब का नाम भी आ चुका है, बिंबिसार के समय एक जीवक डॉक्टर साहब का नाम भी आ चुका है। 1, 3, 1 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो देखिए बुद्ध कभी अवंती गए नहीं यार, आई होप आप लोगों को अवंती याद हो। अवंती दो उधर मध्य प्रदेश उज्जैन वाला क्षेत्र था, ठीक है, और गांधार तो इधर पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। अगर मैं अगर ये भारत आपको दिखाऊं रफली गाइस, अगर भारत ऐसा कुछ कुछ होता है तो इधर मतलब ये क्षेत्र था गांधार। वर्तमान में अगर गांधार की बात करूं तो ये पाकिस्तान में है और ये एमपी का क्षेत्र है, ये दिस इज द रीजन ऑफ एमपी। सो ये उज्जैन था आपका एमपी वाला रीजन, ठीक है, और बाकी मगध हमारा ये था। पाटलिपुत्र की बात करें अगर तो ये था, ठीक है, मगध पाटलिपुत्र। सो इसमें तो आप बहुत सारी बातें जानते ही हैं, ठीक है, कि भाई बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी, अगर आपको नाम याद हो, ठीक है। सो गांधार यहाँ पे कहाँ पहुँचेंगे, बुद्ध की जिंदगी इधर ही रह गई थी पाटलिपुत्र के आसपास। सो उज्जैन भी वो नहीं पहुँचे थे, गांधार भी वो नहीं पहुँचे थे, आंसर तो आपको पता चली गया, ठीक है। बट नाउ सी दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे अगर बुद्ध की जन्म की बात करें तो आप जानते हैं बुद्ध का जन्म जो गाइस लुम्बिनी में हुआ था, दैट वाज अंडर कौशल, वो कौशल महाजनपद का हिस्सा था। सो ये आंसर तो आपका हो गया जन्म से संबंधित बातें। और मगध दैट वाज पाटलिपुत्र, ठीक है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो परिनिर्वाण जो उनकी जो मृत्यु हुई थी दैट वाज लाइक कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर, यूपी वाला क्षेत्र है कुशीनारा। सो ये भी मगध का ही हिस्सा रहा, ठीक है, मगध महाजनपद का हिस्सा रहा। फिर अगर उनके ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वो भी बोधगया में हुई थी, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मगध, तो बोधगया का लेकिन नाम ही नहीं है। सो ना वो कभी अवंती गए ना वो कभी गांधार गए, गांधार तो आंसर हैज टू बी ओनली 3 एंड 4, दैट इज सी। सॉरी स्लाइड ही आगे चला गया। सो आवर आंसर हैज टू बी व्हाट, 3 एंड 4, राइट गाइस। खुशीन अब सो सी सी सी, भावना, सौम्या, तृप्ति, नेहा आप चेक कीजिएगा, नेहा दिस इज नॉट गुड, ठीक है। राहुल, बाकी सी लोगों ने दिया है, बहुत लोगों ने सी दिया है, आई एम ग्लैड टू सी दैट, ठीक है गाइस, आगे बढ़िए। ये सब यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंग्लिश में मैंने रख दिया, ठीक है, बाकी ओरिजिनल फॉर्मेट में मैंने आपको दिखाया था। मेनी ऑफ द ग्रीक्स कुशांस एंड शाकास इम्प्रेस्ड बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म बिकॉज, मतलब हिंदुइज्म की जगह बुद्धिज्म को इन लोगों ने अडॉप्ट क्यों किया, बहुत सारे यूनानियों और कुशानों और शाकाओं ने, ठीक है, इंडो ग्रीक्स के बाद शाका आएंगे, पढ़ें। कुशान और शाका की पढ़ाई मैंने आपको नहीं कराई है, अभी हम तो बहुत पीछे ही हैं, ठीक है, बट इसका आंसर मुझे चाहिए। बुद्धिज्म वॉज इन द एसेंडेंस, क्योंकि बुद्धिज्म का विकास हो रहा था। बी पे आए, दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस, क्योंकि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग दिया था। बिकॉज कास्ट ग्रेड इन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, क्योंकि हिंदुइज्म जिसमें जाति प्रथा बहुत आ गई थी उन लोगों को आकर्षित नहीं करती थी। एंड बुद्धिज्म प्रोवाइडेड ईजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी, क्योंकि बुद्धिज्म से भारतीय समाज में का एक आसान द्वार सबको मिल जा रहा था, ठीक है, बिकॉज कॉमन मैन का लैंग्वेज था। सो डेफिनेटली आप जानते हैं कि ये तीनों ऑप्शन तो कहीं से किसी काम का है नहीं, ठीक है गाइस, कहीं से किसी काम का है नहीं। सो दिस हैज़ टू बी द आंसर, बिकॉज मैंने बताया था कि इन लोगों ने
कॉमन मैन को अपील, कॉमन मैन को इन लोगों ने काफी अपील किया, बिकॉज वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से तो तंग हो ही गए थे, उनके बस की बात थी नहीं कॉमन मैन की। और फिर पाली और प्रकृत भाषाओं का जो उपयोग होता चला गया, पाली एंड प्रकृत भाषाओं का जो उपयोग होता चला गया, जो कॉमन मैन का लैंग्वेज था, इससे ये जो, और कॉमन मैन तो हमेशा मेजॉरिटी में होता है ना गाइस, ठीक है, मेजॉरिटी में होता है, कॉमन मैन तो हमेशा बहुमत में होता है। सो दैट्स वाई अगर आप बुद्धिज्म अडॉप्ट करते हैं तो आपको इंडियन सोसाइटी का इजियर एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदुइज्म अडॉप्ट करते तो फिर गिने चुने एक छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बन के रह जाते, ठीक है। सो डेफिनेटली डी हैज़ टू बी आवर आंसर गाइस, राइट। डी 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 वेरी नाइस नेहा, राहुल, गिरिजा, पूजा, भावना, सबको, अनु, मोनिशा, मोनिशा नसीब दे दिया, दिस इज रॉन्ग गाइस, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं गाइस अपने। अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अनेकांतवाद। देखिए मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, दैट हैज़ टू बी जैनिज्म, ठीक है। ये किस फिलोसफी का दर्शन है, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, सिखिज्म का, वैष्णविज्म का? देखिए ये फिर से अगर आपसे नहीं बनेगा तो इसका रीज़न होता है आर्ट एंड कल्चर। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिखाया, आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि जैसे वो टेंपल वाला आपसे नहीं बन पा रहा था, जो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपको मुश्किल होगी, जो फिलोसॉफिकल थॉट्स षट दर्शन वाला क्वेश्चन था वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। सो दो चीज़ें हैं, हर्षवर्धन वाले कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती थी कि बहुत सारा तो अपने तो हमने तो अभी बस 25% एंशिएंट इंडिया पढ़ा है, 75% ऑफ द एंशिएंट इंडिया हैज़ येट टू कम, एंड पूरा आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट तो अभी पता ही नहीं है। सो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो पैनिक नहीं करना है गाइस, राइट। इस क्वेश्चन को हम क्विट करते हैं, ठीक है। मतलब देखिए साहिल बाबू अभी आ रहे हैं, खुश रहिए, लेकिन खुश रहने मतलब आशीर्वाद देने जैसा कोई काम तो आपने किया नहीं, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन तो अभी और भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि 7-8 क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी बिकॉज इट्स टाइम फॉर मी टू क्विट, बिकॉज आई हैव सम अदर सेशन शेड्यूल्ड एट 7 PM। सो गाइस कल की क्लास जो होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस जो अभी 7-8 क्वेश्चन हैं वो आपको मैं पहले दिखा दूंगा, डोंट टेक इट लाइक कि मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। पहले 10-15 मिनट वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा और फिर हम कल अपने वैदिक लिटरेचर वाली क्लास शुरू करेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए, और साहिल कोई बात नहीं, कल टाइम पे देखना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। नहीं कल MCQ वाला नहीं होगा, कल MCQ आज जो मेरे अभी 8-10 क्वेश्चन बचे हुए हैं UPSC में आए हुए वो 10-15 मिनट में निपटा दूंगा, और वैदिक लिटरेचर की क्लास ही होगी कल, जो बचा हुआ टाइम है उसमें वैदिक लिटरेचर को हम शुरू कर देंगे। एंड दैट ये जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे ना गाइस, अनेकांतवाद, ठीक है, षड दर्शन, ये सिर्फ इसीलिए नहीं बन रहा है बिकॉज लिटरेचर वाला पार्ट हमने अभी नहीं पढ़ा हुआ है, चाहे वो वैदिक लिटरेचर हो, जैन लिटरेचर हो, बुद्धिस्ट लिटरेचर हो। बुद्धिज्म में तो थोड़ी उन त्रिपिटक की बात हो भी गई थी, लेकिन अभी जैन लिटरेचर बिल्कुल बचा हुआ है, बुद्धिज्म में भी कुछ लिटरेचर। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो जो लिटरेचर वाली, जो वैदिक लिटरेचर वाली क्लास हम शुरू करेंगे उसमें मैं सब आपको बता दूंगा, तब ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा ये आज पूजा, डेफिनेटली हाँ सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ गाइस आप लोगों को, बहुत बहुत सॉरी, कल बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी मैं 8 PM वाली क्लास नहीं ले पाया था। यस डेफिनेटली होगी, दैट इज़ एन अमेजिंग टॉपिक। मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा, कुछ बड़ी अमेजिंग बातें हैं, इंदिरा गांधी एंड दैट ट्रेजेडी ऑफ गोल्डन टेम्पल विच इज़ नोन एज दैट ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो डेफिनेटली होगी पूजा आज 8 बजे, कल नहीं हो पाई थी, और जो मैंने इन्फॉर्म कर दिया था टीम को, लेकिन उन लोगों ने शायद मैसेज टाइम पर देखा नहीं, अदरवाइज वीडियो प्राइवेट हो गया होता तो शायद आप लोग वेट नहीं करते। सो गाइस उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए तो बहुत बुरा मत मानिएगा, बट डेफिनेटली दैट विल नॉट बी रिपीटेड। सो यस 8 बजे आज होगी, और कल भी हम मिलेंगे NCERT पे, वैदिक लिटरेचर वाली क्लास शुरू करेंगे। पहले गाइस 7-8 क्वेश्चन जो आज रह गया वो बताऊंगा, और क्लास वैदिक लिटरेचर पे कल शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस कल मिलते हैं, आज मुझे याद दीजिए, और ज़रूर बताइएगा ये सेक्शन कैसा लगता है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। मेरा मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा ये सेक्शन जो है ये कैसा लगता है, या इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो, राइट गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी टूडे, सबको बहुत बहुत शुभरात्रि, गुड नाइट, एंड कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी गाइस, बाय एंड थैंक यू।